एशाज यंग आयस, इस वीडियो में हम देख रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 9 की मैथ्स 1 टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 3 पॉलिनोमियल्स। तो फर्स्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है अबाउट पॉलिनोमियल्स, कि पॉलिनोमियल्स को कैसे पहचानना है, पॉलिनोमियल्स का डिग्री क्या होता है, पॉलिनोमियल्स क्या टाइप्स के होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, इवन लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं वो हमने देखा, और फाइनली तीन फॉर्म्स जो है, स्टैंडर्ड फॉर्म, कोएफिशिएंट फॉर्म और इंडेक्स फॉर्म, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आप फर्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। उसके बाद अब हम शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.1। तो पहला सवाल यहाँ पे है, स्टेट वेदर द गिवन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस ऑफ पॉलिनोमियल्स जस्टिफाई। तो हमको यहाँ पे देख के बताना है क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन है y प्लस 1 बाय y, तो इसका मतलब है हमें पॉलिनोमियल है कि नहीं बताना है, मतलब हमें वेरिएबल के पावर्स देखने हैं। यहाँ पे वेरिएबल है y, y के पावर्स देखने हैं। यहाँ पे y का पावर, यहाँ पे ये दो टर्म्स है y और 1 बाय y, है ना, बीच में प्लस है, तो ये दो टर्म्स में यहाँ पे y का पावर 1 है और यहाँ पे y का पावर क्या है देखना है, ये 1/y है। हमने ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया कि 1/y इज y रेज टू -1, तो इसका पावर -1 है। पॉलिनोमियल का डेफिनेशन क्या है कि वेरिएबल के सारे पावर्स जो है, वेरिएबल के, कांस्टेंट के नहीं, वेरिएबल के सारे पावर्स जो है वो होल नंबर होने चाहिए, मतलब 0, 1, 2, 3 ऐसा कुछ होना चाहिए। तो ये तो -1 है, होल नंबर नहीं है, तो इंटीजर में आ गया, ये होल नंबर नहीं है, -1, तो इसीलिए ये पॉलिनोमियल नहीं। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे, हम देखते हैं। ये देखिए, है ना, तो हमें इसको पहले इस फॉर्म में लिखना है, दैट इज y प्लस y रेज टू -1। ठीक है, 1 बाय y को हमने y रेज टू -1 लिखा। अगर 1 बाय y स्क्वायर होता तो ये होता y रेज टू -2। जो भी पावर नीचे होता, ऊपर y को ऊपर लिख के हम इसको माइनस साइन से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, क्वेश्चन क्या है, स्टेट वेदर द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो इन द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन द पावर्स, पावर्स की जगह दूसरा वर्ड हम इंडेक्स भी लिख सकते हैं, जो पावर है इसको इंडेक्स भी बोलते हैं। तो पावर्स मतलब हर एक टर्म के पावर्स लिखने हमको, द पावर्स ऑफ वेरिएबल y आर 1 एंड -1, ये कुछ नहीं है, मतलब 1 है ना, 1 एंड -1। सिंस -1 इज नॉट अ होल नंबर, हर एक पावर होल नंबर होना चाहिए, 1 तो होल नंबर है लेकिन -1 इज नॉट अ होल नंबर, देयरफॉर y प्लस 1 बाय y इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो ये फॉर्मेट है, सारे क्वेश्चन हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। फर्स्ट के बाद अभी सेकेंड क्वेश्चन है 2 - 5√x। तो यहाँ पे ये तो कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट होगा तो पॉलिनोमियल होता ही है। यहाँ पे x का पावर क्या है, रूट एक्स है, रूट एक्स भी हमने पार्ट 1 वीडियो में डिस्कस किया है, एक्स रूट एक्स होता है, मतलब एक्स का पावर 1/2 है। तो इसको पहले वो फॉर्म में लिखेंगे हम, है ना, दैट इज 2 - 5x raised to 1/2। तो इन द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन द पावर ऑफ वेरिएबल एक्स इज 1/2। सिंस 1/2 इज नॉट अ होल नंबर, देयरफॉर 2 - 5√x इज नॉट अ पॉलिनोमियल। थर्ड क्वेश्चन है अभी x² + 7x + 9। तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो पावर्स x के वो है 2 और 1। ये तो x रेस टू 0 है, पावर 0 है, लेकिन वो तो हम अज्यूम करते हैं सिर्फ कांस्टेंट का डिग्री ढूंढने के लिए, लेकिन पावर्स जो है ये बाकी, कांस्टेंट का तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, जो x के पावर्स होते हैं वो होल नंबर्स होने चाहिए। तो यहाँ पे हमने लिखा पावर्स ऑफ वेरिएबल x आर 2 एंड 1। सो सिंस 2 एंड 1 आर होल नंबर्स, देयरफॉर द पॉलिनोमियल, एंटायर पॉलिनोमियल इज अ, एंटायर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल। फोर्थ सम है 2m raised to -2 + 7m - 5। अब ये दिखते ही पता चल रहा है ये होल नंबर नहीं है यहाँ पे पावर। तो हम लिखेंगे इन द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन द पावर्स ऑफ वेरिएबल m आर -2 एंड 1। सिंस -2 इज नॉट अ होल नंबर, देयरफॉर पॉलिनोमियल इज नॉट अ होल नंबर। फिफ्थ वाला क्वेश्चन है कांस्टेंट, सिर्फ कांस्टेंट, अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कांस्टेंट होता है मतलब 10 × x raised to 0, ये हमें याद होना चाहिए, है ना। तो इन द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन द पावर ऑफ द वेरिएबल इज 0, है ना, दिस कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म। तो पावर 0 है, सिंस 0 इज अ होल नंबर, देयरफॉर 10 इज अ पॉलिनोमियल, इट इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा तो उसको करने का ये तरीका होगा। फिर आते हैं 5 sums के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ m क्यूब इन ईच ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। कोएफिशिएंट हमने समझ लिया है, तो m क्यूब के आगे जो होगा उसको लिखना है। तो यहाँ पे m क्यूब के आगे है 1, यहाँ पे m क्यूब के आगे क्या है, हमको साइन के साथ लिखना है, मतलब सिर्फ √3 नहीं लिखना है, -√3। यहाँ पे m क्यूब के आगे है -2/3। हम कैसे करेंगे इसको, है ना,
कोएफिशिएंट ऑफ एम क्यूब इन द गिवन पॉलिनोमियल, स्टेटमेंट लिखना है, आपको सिर्फ नंबर नहीं लिखना है. राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एम थ्री इन ईच ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, तो द कोएफिशिएंट ऑफ एम क्यूब इन द गिवन पॉलिनोमियल इज 1, यहाँ पे इज -√3 और यहाँ पे -2/3, तो स्टेटमेंट लिखना है बस. फिर यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है, राइट द पॉलिनोमियल इन एक्स यूजिंग द गिवन इन्फॉर्मेशन, मतलब एक पॉलिनोमियल बनाना है एक्स के, एक्स वेरिएबल लेके. ऐसा फर्स्ट क्वेश्चन है, मोनोमियल विद डिग्री 7, मोनोमियल मतलब एक ही टर्म होना चाहिए, प्लस माइनस और कुछ नहीं होना चाहिए, और डिग्री 7 होनी चाहिए, मतलब एक्स वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जो होता है 7 होना चाहिए. तो ये एक्स रेस टू 7 आएगा, और मोनोमियल है मतलब एक्स रेस टू 7 के आगे हम कोई भी नंबर डाल सकते हैं, उसके अलावा एड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. तो यहाँ जैसे मैंने लिखा 5x^7, सिर्फ एक्स रेस टू 7 लिखती तो भी वो सही होता, और कोई भी नंबर आगे डालती तो सही है, ये मोनोमियल. सेकेंड इज बाइनोमियल विद डिग्री 35, मतलब x का हाईएस्ट पावर 35 होना चाहिए, और एक प्लस करके और एक टर्म होना चाहिए, बाइनोमियल है, दो टर्म होने चाहिए. तो ये कैसे लिखा, x m m लिया जो भी है, ये x लेके लिखना है, x ही लिखना है, या x रेस टू 35 क्योंकि दिया है राइट पॉलिनोमियल इन x, तो x रेस टू 35 प्लस करके और एक x रेस टू लिखना है, ये लिख लिया x रेस टू 18, 35 से छोटा नंबर होना चाहिए, कोई भी होना चाहिए, सिर्फ कांस्टेंट भी लिखते तो भी चलता, दो टर्म्स होने चाहिए. तीसरा सवाल है ट्राइनोमियल विद डिग्री 8, मतलब x का हाईएस्ट पावर 8 वाला टर्म होना चाहिए, तो x रेस टू 8 वाला लिखा, उसके बाद और दो टर्म्स होने चाहिए, उसमें कांस्टेंट भी हो, दोनों कांस्टेंट नहीं हो सकते, दोनों सेम पावर के नहीं हो सकते. अगर ये 3x रेस टू 4 लिखा है तो यहाँ 15x रेस टू 4 लिखूंगी तो ट्राइनोमियल नहीं बाइनोमियल बन जाएगा, बिकॉज अगर वेरिएबल ये सेम है, पावर सेम पावर वाला है, तो ये दो ऐड हो जाएगा, मतलब 3 प्लस 15 18x रेस टू 4 हो जाएगा, तो मैं इसके आगे x रेस टू 4 सेम नहीं लिख सकती है ना. तो ये x रेस टू 8 हाईएस्ट पावर 8 होना चाहिए, फिर उसके नीचे जो पावर चाहिए 2 1 3 कांस्टेंट जो चाहिए वो ले सकते हैं, तो ट्राइनोमियल तीन टर्म्स होने चाहिए. फिर फोर्थ सवाल है, राइट द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स, तो ये डिग्री लिखनी है, मतलब हाईएस्ट पावर. तो फर्स्ट क्वेश्चन है √5, तो √5 की डिग्री क्या है, √5 इज √5 इनटू x रेस टू 0, हाईएस्ट पावर इज 0, तो फॉर डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल हमेशा कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है, तो ये भी है. सेकेंड है x रेस टू 0, अगेन हियर द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 0, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल मींस हाईएस्ट पावर ना, तो दो स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं, हाईएस्ट पावर क्या है वो लिखो, और देयरफॉर द डिग्री इज द सेम थिंग, तो हाईएस्ट पावर है. यहाँ पे भी x स्क्वायर हाईएस्ट पावर 2 है, तो डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज 2. यहाँ पे m का हाईएस्ट पावर 10 है, वो हाईएस्ट पावर ही डिग्री है, तो डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज 10. फिफ्थ सम है 2p माइनस रूट 7, ये भी p का हाईएस्ट पावर 1 है, तो डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इज 1. इसका कांस्टेंट का पावर कुछ नहीं देखना हमको, ये सबसे कुछ नहीं फर्क पड़ता, सिर्फ वेरिएबल के पावर क्या है. यहाँ पे भी y, y क्यूब, y रेस टू 5, हाईएस्ट पावर इज 5, तो डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज 5. अब ये आया पॉलिनोमियल इन मल्टीपल वेरिएबल्स, मोर देन टू वेरिएबल्स, मोर देन वन वेरिएबल एक्चुअली, तो ये कैसा है, x, y, z, मतलब हर एक का पावर a एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, तीसरा टर्म है, तो जब वेरिएबल्स मल्टीप्लीकेशन में से साथ में होता है तो इनके पावर्स एड अप हो जाते हैं, मतलब तीनों का पावर 1, 1, 1 है, तो पूरे टर्म का पावर क्या है 3, इसका 1 प्लस 1 2, इसका 1, हाईएस्ट पावर 3 है ना, तो इसीलिए डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज 3, ये 7th सम. फिर लास्ट सम है m क्यूब n रेस टू 7 वाला, तो ये तीन टर्म्स है, तीनों के पावर देखेंगे, यहाँ 3 प्लस 7 10 है, ये 5 प्लस 1 6 है, और ये 1 प्लस 1 2 है, तो सम ऑफ द पावर्स देखना है हमको, जब यहाँ पे अगर वेरिएबल्स मल्टीपल वेरिएबल्स है तो सम ऑफ द पावर्स देखना है हमको, हाईएस्ट सम ऑफ द पावर्स, तो यहाँ सम ऑफ द हाईएस्ट सम ऑफ द पावर्स इज 10, देयरफॉर डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज. फिर जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, तो ये सिंपल है, हमको देख के ही बताना है, हाईएस्ट पावर ही देखना है हमको, डिग्री क्या है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है, मतलब डिग्री 2 है, मतलब ये कैसा होगा, क्वाड्रेटिक, यहाँ पे डिग्री 1 है तो लीनियर, यहाँ पे डिग्री रूट वाई नहीं है तो ये रूट 2 आगे आएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इसका पावर नहीं है, अगर रूट वाई होता तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं होता, सिर्फ वाई, तो वाई का पावर 1 है, तो यहाँ पे जो है ये पावर का पावर 1 है, मतलब ये लीनियर पॉलिनोमियल है. यहाँ पे m क्यूब है तो सबसे बड़ा पावर 3 है, मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल है,
और ए स्क्वायर इज अगेन क्वाड्रेटिक, 3R³ इज अगेन क्यूबिक पॉलिनोमियल। छठा सवाल है, तो इसको ऐसे ही किया हमने, तो यहाँ पे डिग्री लिखी, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल जो है 2 है, तो क्वाड्रेटिक, देयरफॉर इट इज क्वाड्रेटिक। डिग्री लिखना है हमको पॉलिनोमियल का, और बस क्वाड्रेटिक है, लीनियर है जो है वो लिख देना है। फिर छठा क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हमको पॉलिनोमियल्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, मतलब एम क्यूब प्लस 3 प्लस 5m, तो इसको आगे 5m आगे आएगा ना, तो स्टैंडर्ड फॉर्म इज जस्ट दिस, आगे पीछे करके कॉन्स्टेंट लास्ट में आएगा, वेरिएबल विथ हाईएस्ट पावर विल कम फर्स्ट। तो ये सेकंड एग्जांपल भी है, यहाँ पे देख सकते हैं कि वाई रेस टू 5 सबसे बड़ा है, उसको सबसे आगे आना चाहिए, फिर वाई रेस टू 4 यहाँ है तो वो आना चाहिए, अलॉन्ग विद द साइन, ऑलवेज पिक अप अलॉन्ग विद द साइन, फिर प्लस 3y², फिर प्लस 3y³, फिर माइनस y² आया, मतलब माइनस के साथ है ना, और फिर ये -7y और लास्ट में -1y, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। फिर सेवेंथ क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन कोएफिशिएंट फॉर्म। तो कोएफिशिएंट फॉर्म में हमको लिखना है, मतलब के इसका पहले तो हमको स्टैंडर्ड फॉर्म लिख के इंडेक्स फॉर्म बनाना है, फिर कोएफिशिएंट फॉर्म आएगा। इंडेक्स फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है तो ठीक है ना, कुछ आगे पीछे नहीं है। इंडेक्स फॉर्म क्या होगा, ये एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, एक्स वाला टर्म नहीं है, डायरेक्ट कॉन्स्टेंट टर्म, तो एक्स स्क्वायर वाले टर्म के आगे जीरो लिख के हम डालेंगे, प्लस 0x² प्लस 0x-2, तो इंडेक्स फॉर्म ये है। कोएफिशिएंट मतलब हर एक का कोएफिशिएंट, 1, 0, 0, -2, तो ये ब्रैकेट में ऐसे लिखेंगे, कोएफिशिएंट फॉर्म हो गया। तो ये हमने फर्स्ट किया, सेकेंड वाला कैसे करेंगे, ये देखो 5y, तो इंडेक्स फॉर्म इसका क्या होगा, 5y, कांस्टेंट टर्म मिसिंग है, लीनियर इक्वेशन का फॉर्म हमने देखा था लीनियर पॉलिनोमियल का, ax प्लस b, तो यहाँ 5y है और इंडेक्स फॉर्म में क्या आएगा, प्लस 0, और कुछ नहीं है ना, तो इसका कोएफिशिएंट फॉर्म होगा 5, 0, दोनों का कोएफिशिएंट। फिर थर्ड सम है, 2m⁴ - 3m² + 7, तो इसका कोएफिशिएंट फॉर्म लिखना है, तो पहले हमको इंडेक्स फॉर्म लिखना होगा, m रेज टू 4 है, m क्यूब कुछ नहीं है, तो प्लस 0m³, वापस m वाला टर्म भी नहीं है, तो 0m, फिर इनके कोएफिशिएंट लिखने हैं, 2, 0, -3, 0, 7, तो हमारा थर्ड सम हो गया। और -2/3 कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो कोएफिशिएंट फॉर्म में कांस्टेंट पॉलिनोमियल का एक ही आएगा, ब्रैकेट में खाली -2/3, तो ये हो गया, ये हमारा सेवेंथ क्वेश्चन हो गया। फिर आता है एथ क्वेश्चन, राइट द पॉलिनोमियल्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो कोएफिशिएंट फॉर्म दिया है हमको, इंडेक्स फॉर्म लिखना है, फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएंगे, तो ये देखिए पहला वाला कैसे करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, x² + 2x + 3, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, ये हो गया। तीसरा है, दूसरा है 5, 0, 0, -1, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आएगा, 5x⁴ - 1, तो ये x⁴, x⁴, और x, और ये भी कैसा है, ये 2 कांस्टेंट है, ये x का कोएफिशिएंट, x² का, x³ का, -2x³ + 2x² - 2x + 2, तो दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। फिर आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बीच में हमको एक ऐसे ओवल दिया है जिसके अंदर काफी सारे पॉलिनोमियल्स लिखे, और साइड पे हमको तीन उसको डिस्टिंग्विश करना है, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और मोनोमियल, जितने भी जो कैटेगरी में फिट होते हैं डालेंगे, है ना, और क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और लीनियर, तो यहाँ पे भी जितने फिट हो गए, मतलब के हम जैसे फॉर एग्जाम्पल x + 7 ले, तो x⁻¹ है, मतलब ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल, तो इसको मैं यहाँ लिखूंगी लीनियर पॉलिनोमियल, एट द सेम टाइम दो ही टर्म्स है, तो ये बाइनोमियल भी है ना, तो लीनियर पॉलिनोमियल में भी आएगा और बाइनोमियल में भी आएगा। वैसे ही x² का जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, और एक ही टर्म है, तो ये मोनोमियल भी है। तीसरा वाला, तो ये देखिए कैसे सॉल्व किया इसको, तो x+7 कहाँ जा रहा है, लीनियर में और बाइनोमियल में, बराबर, x² कहाँ जा रहा है, क्वाड्रेटिक में, ये और मोनोमियल में, मोनोमियल है यहाँ पे x². फिर तीसरा ये वाला है, ये मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल में नहीं जाएगा, इसका डिग्री है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3, तो ये यहाँ क्यूबिक पॉलिनोमियल में लिख लिया, डिग्री 3 है, तो
फिर ये है तीन टर्म्स तो ट्राइनोमियल में आएगा और हाईएस्ट पावर इज टू, तो ये फिर क्वाड्रेटिक में भी आएगा। एक्स क्यूब प्लस नाइन क्यूबिक भी है और दो टर्म्स है तो बाइनोमियल भी है। थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स अगेन इट विल कम हियर प्लस ये भी थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है ना स्क्वायर में है। तो हमारे सारे जो है वो एक एक चले गए, एक्स प्लस सेवन दोनों साइड जाएगा यहाँ पे भी यहाँ पे भी। खाली ये चार टर्म्स वाले उनको हम मोनो बाइनो और ट्राइनोमियल में नहीं फिट कर सकते, तो ये खाली यहाँ पे क्यूब है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में जाएगा, ये क्वाड्रेटिक में जाएगा, ये क्यूबिक में, ये क्वाड्रेटिक में। और ये साइड पे कैसा होता है, ये जो है क्यूब वाला होगा तो ये साइड इसमें जाएगा, ये नहीं जा रहा क्योंकि चार टर्म्स है, ये वाला तीन टर्म्स है तो ट्राइनोमियल में जाएगा, ये बाइनोमियल में जाएगा दोनों। तो ये है, तो बस इस टेबल के बाद आपकी ये प्रैक्टिस सेट 3.1 फिनिश हो जाता है। सो दैट इज इट, विश यू ऑल ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।